ना डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है टाइप्स ऑफ असेसमेंट। टाइप्स ऑफ असेसमेंट में अगर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं तो इसमें बेसिकली तीन टाइप्स बनती हैं, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। मतलब इसके थ्री फेजेज हैं, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। मतलब क्या कि एक सेशन स्टार्ट होने से पहले जो असेसमेंट की जाती है उसको हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट बोलते हैं। डायग्नोस्टिक असेसमेंट का पर्पस क्या होता है, उसका बेसिकली पर्पस क्या है कि जो आ रहा है एप्लीकेंट आपके पास, उसका वीएन क्लियर है सीबीटी के बारे में, आया कि वो ओनली सर्टिफिकेशन पर्पस के लिए आ रहा है या स्किल्स लेने के लिए आ रहा है, ये आपने डायग्नोस करना है। और क्या वो उस कोर्स के बारे में जानता भी है जिसमें उसने अप्लाई किया है, मतलब उसके बारे में नाउ हाउ है कि नहीं है, कि इसको करने का बेनिफिट क्या है, करने के इसने कौन कौन से स्किल वो सीखेगा और इसके बाद आगे फ्यूचर में उसका फ्यूचरिस्टिक ओवरव्यू आप दे देंगे उसमें, तो ये डायग्नोस्टिक असेसमेंट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है ड्यूरिंग, उसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट बेसिकली ये की जाती है इंटरनल, हमारे जो टीचर होते हैं, इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, जो क्लास में इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, अपना सेशन मतलब जो मैनुअल बना हुआ है, एविडेंस गाइड्स या मैनुअल्स उन्हें दिए जाते हैं, तो वो अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली टीचर जो उनको टीच कर रहा है वो क्या करेगा, एक मैनुअल कम्प्लीट होता है उसका, उसका एक मॉड्यूल कम्प्लीट हो जाता है, उस मॉड्यूल का वो असेसमेंट ले लेता है, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट हो जाएगी। तो इसी तरह अगर स्कूल एक ट्रेड में 5 या 6 मॉड्यूल्स हैं तो उनकी 6 वो टाइम्स पे वो जाके असेसमेंट फाइनल होगी, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट होगी। और उसके बाद जब ड्यूरेशन कंप्लीट होता है तो बोर्ड की जानिब से एक्सटर्नल असेसर जो है वो अपॉइंट किया जाता है। वो एक्सटर्नल असेसर जो है वो कौन से असेसमेंट करता है, उसका नाम है जी सबमेटिव असेसमेंट। तो सबमेटिव असेसमेंट इज़ डन बाय एक्सटर्नल असेसर, वो इंटरनल से लिंक नहीं करते, इंटरनल से बिलोंग नहीं करते। तो तीन फेजेस हमने डिस्कस किए इस वीडियो में, बिफोर कौन सा था, डायग्नोस्टिक असेसमेंट थी, ड्यूरिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट थी, और वो सारे मॉड्यूल्स की अलग अलग असेसमेंट होगी, उसका रिकॉर्ड और उसका एविडेंस जो है वो आपका इंस्ट्रक्टर जो है वो मेंटेन करेगा, उसकी फाइल मेंटेन की जाएगी, उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा और वो प्रॉपरली अरेंज किया जाएगा, वो हर स्टूडेंट की अटेंडेंस भी साथ होगी, उसके साथ साथ उसका उसकी जो वो असेसमेंट का रिकॉर्ड है, जो एविडेंस गाइड है वो फिल होगी और वो अटैच की जाएगी, हर एक बच्चे की अलग अलग फाइल जो है वो तैयार की जाएगी। इसी तरह जो फाइनल असेसमेंट होगी, जब ये इंटरनल चारों या पांचों मॉड्यूल्स जितने भी दिए गए इंटरनल उसमें मतलब उसमें मॉड्यूल दिए गए, अगर वो असेसी उन सब में कॉम्पिटेंट डिक्लेयर हुआ है तब जाके फाइनल उसकी असेसमेंट होगी, सबमिटिव असेसमेंट, तब जाके वो एलिजिबल होगा सबमिटिव असेसमेंट के लिए। और अगर इन केस वो असेसी जो है उसमें किसी एक या दो मॉड्यूल में नॉट येट कॉम्पिटेंट डिक्लेयर हो जाता है तो इसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि बाकी जो मॉड्यूल जिसमें वो कॉम्पिटेंट डिक्लेयर हुआ उसको अवार्ड ऑफ अचीवमेंट अवार्ड उसको दिया जाता है, बाकी जब तक नेक्स्ट जब असेसमेंट होगी तो वो उन दो मॉड्यूल का असेसमेंट करवाएगा अपने जो इंटरनल फॉर्मेटिव सिस्टम है, तो वो उन दो की असेसमेंट करवाने के बाद जब उनमें कम्पिटेंट डिक्लेयर होगा फिर जाके वो सबमिटिव असेसमेंट के लिए एलिजिबल होगा और फिर फाइनल उसकी सबमिटिव असेसमेंट हो पाएगी। तो ये हमारे पास सिंपल से तीन मेथड्स से तीन उसके वो असेसमेंट के, ताकि बच्चे को आते ही डायग्नोज किया जाए कि आया कि वो जो कोर्स है उसके रेलेवेंट है कि नहीं है, फ्यूचरिस्टिक उसका ओवरव्यू लिया जाए कि वो क्या करना चाह रहा है, ये क्यों इसी कोर्स में दाखिला लेने जा रहा है, ठीक है। अगर उसका क्लियर नहीं है तो क्लियरेंस करवाई जाए, उसको बताया जाए इसका स्कोप ये है, और उसके बाद जब वो क्लियर होने के बाद बच्चा इन हो जाता है, उसका मतलब आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया, उसके बाद फिर ड्यूरिंग सेशन उसके हर मॉड्यूल की अलग अलग जो असेसमेंट होती है उसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, और फाइनली जो होगी वो क्या होगी, सबमेटिव असेसमेंट होगी। ये हमारे असेसमेंट के तीन फेजेज हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आगे।